हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फाइनल पेपर्स में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। सो चलिए, हम इस वीडियो में अपने एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल कैसे करते हैं उसको देखते हैं, स्टेप्स कौन से फॉलो किए जाएंगे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द न्यू एग्रीमेंट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस, सो अकॉर्डिंग टू डैट चेंजेस मे ऑल्सो डन इन द कैपिटल। सो अगर कोई बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो न्यू पार्टनर के आने से न्यू एग्रीमेंट आएगा, और उस न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स चाहें तो अपनी पुरानी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपनी कैपिटल में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग वो अपनी कैपिटल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बिजनेस में, या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली एडजस्टमेंट का मीनिंग है इंक्रीज़ करना कैपिटल को, या फिर डिक्रीज़ करना। सो अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे इस वीडियो में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू पार्टनर कम्स विद न्यू कैपिटल, सो अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल ऑल्सो। सो क्योंकि न्यू पार्टनर बिजनेस में जब आता है तो एक कैपिटल लेके आता है कैश में, सो उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं। सो ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करनी है या फिर डिक्रीज़ करनी है। सो ये हमारे पास था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बेसिक पॉइंट, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैपिटल को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने का मेथड अलग हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट मेथड कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो इस केस में जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपनी कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि इनकमिंग पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। सो जितनी कैपिटल इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा, उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। इसकी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम एक एक स्टेप को रीड करते हैं और उस स्टेप को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ऐसा करने से आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आपको एडजस्टमेंट भी जो है वो रिमेंबर रहेगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सॉल्व क्वेश्चन नॉर्मली विदाउट कंसीडरिंग एनी एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट स्टेप हमें कह रहा है कि नॉर्मल वे से क्वेश्चन आप इसको स्टार्ट कीजिए, आपको बिल्कुल भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन शुरू कीजिए। मतलब आपको ये नहीं पता कि एडजस्टमेंट करनी है, आप ऐसे समझकर क्वेश्चन शुरू कीजिए कि जैसे एडजस्टमेंट है ही नहीं, कैपिटल के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दी गई, ऐसा आपने अंडरस्टैंड करना है, ऐसा आपने सपोज करना है। सो नॉर्मल वे में जैसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, वैसे ही सॉल्व करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है या फिर नहीं है। सो अगर नॉर्मल वे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट के बारे में नहीं कहा गया, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं नॉर्मल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं बताने वाला, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि उस वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। सो ये हमारे पास वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में अंडरस्टैंड हो जाए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि
इस वीडियो का मेन पर्पस यही है, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी आ जाए। सो सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरू किया है। अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की एग्जांपल चाहिए तो प्रीवियस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने नॉर्मल वे से क्वेश्चन सोल्व किया है और डिफ़िकल्ट एग्जांपल सॉल्व की है। सो ये हमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 को। ये हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसको यूज़ करते हुए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम रीड आउट कर लेते हैं। दे एग्री टू टेक सी एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। सो वो एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2018 से, जिसके लिए हमारे पास फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सी पेज ₹14,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। सो सी जो है वो बिजनेस में 14,000 एज अ कैपिटल लेकर आएगा और उसका शेयर क्या होगा प्रॉफिट में 1/5। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹20,000। सो 1 अप्रैल 2018 को, मतलब जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है उस टाइम पर गुडविल की वैल्यू है 20,000। सो इसका मतलब ये न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू नहीं है। सी इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो सी को शेयर लेके आना था गुडविल का, क्यों लेकर आना था, क्योंकि सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है और ए और बी दोनों जो हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। दोनों के सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए सी को गुडविल का शेयर लेके आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेकर आया। सो अगर वो नहीं लेकर आया तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करें या फिर कैपिटल अकाउंट से। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सो स्टॉक और फर्नीचर जो हमें दिया गया है उसको हमें 10% से रिड्यूस करना है। सो ये हमारे पास है स्टॉक और ये हमारे पास है फर्नीचर, दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दोनों ही हमारी एसेट है। एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है। सो लॉस को हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए। सो सबसे पहले हम स्टॉक के ऊपर 10% अप्लाई करेंगे। सो 20,000 के ऊपर 10% अप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 2,000 और ऑफिस फर्नीचर के ऊपर 10% अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू है 1,000। सो 1,000 के ऊपर 10% अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। सो इसकी वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड मेंशन कर देते हैं। सो ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सो हमें लॉस हुआ है इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिख देंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा 2 स्टॉक 2,000, सेकेंड आएगा 2 फर्नीचर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमें कहा गया है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिया गया है 25,000। 25,000 के ऊपर हम 20% अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है। सो एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए ये हमारा हो गया प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड हम लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। जो थर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड। सो डेटर्स के ऊपर हम 5% प्रोविजन क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट्स के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मीनिंग कि हो सकता है कि 5% डेटर्स हमें पेमेंट ना करें। सो अगर वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा और उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स हमें दिए गए हैं 16,000। 16,000 के ऊपर 5% अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800। सो 800 को हम डेबिट साइड मेंशन कर देंगे। सो डेबिट साइड हम लिख देंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800।
सो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अब हमें इसे बैलेंस करना है. क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी 5000 है, सो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है. 5000 में से 2900 हम डिडक्ट कर देंगे, हमारे पास बैलेंस बचेगा 2100. और इस 2100 को हम अपने पार्टनर्स में, जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. टू ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल. 2100 को हम 3:1 में शेयर कर देंगे, क्योंकि उनकी ओल्ड जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है. सो ए के लिए हमारे पास आएगा 1575 और बी के लिए हमारे पास आएगा 525. इतना करने के बाद अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सो सबसे पहले हमें बैलेंस मेंशन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो हमें बैलेंस दिया गया है 30,000, 16,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जितनी मर्जी दी हो सकती है. हमने इस क्वेश्चन में 3-4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली और उसकी हेल्प से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया. जितनी इन्फॉर्मेशन दी होगी उतना ही क्वेश्चन लेंथी होगा और कोई डिफरेंस नहीं है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस मेंशन कर दिया. उसके बाद अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 6000. सो 6000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में. ओल्ड पार्टनर्स को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है, न्यू पार्टनर पर उसका अभी कोई राइट नहीं है. बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हमारे पास अमाउंट आएगी 4500 1500. के बाद अगर कोई लॉस पड़ा होगा प्रीवियस ईयर का तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो कि एक तरह का लॉस है, 2000. सो ये 2000 पार्टनर्स बियर करेंगे, इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे. कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स को मिलती है, उनकी कैपिटल में ऐड होती है, तो उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं. ऐसे अगर कोई चीज़ पार्टनर्स में से डिडक्ट करनी है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे. सो इसलिए ये जो लॉस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, उसको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे. सो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 1500 एंड 500. हमारे पास है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया. ए को मिलेगा 1575 और बी को मिलेगा 525. नेक्स्ट हमारे पास आता है सी, कैश लेकर आया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 14000. सी को गुडविल भी लेकर आनी चाहिए थी लेकिन वो गुडविल नहीं लेकर आया. लेकिन उसको गुडविल कितनी लेकर आनी चाहिए थी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो गुडविल की वैल्यू हमारे पास है 20000 और सी बिजनेस में आया है 1/5 शेयर के लिए. सो 20,000 मल्टीप्लाई 1/5, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4,000. सो इसका मतलब सी को 4,000 एज गुडविल लेकर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो लेकर नहीं आया इसलिए हम उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे. और किसको पे करेंगे? ए और बी को. किस रेशो में? सेक्रीफाइजिंग रेशो में. अब इस केस में हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी जाएगी तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइजिंग रेशो मान सकते हैं. सो 4000 को हम 3:1 में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए. यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट. 4000 को 3:1 में करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगी 3000 और 1000.
ये हमने प्रिपेयर कर लिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अब और कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं रहती। लास्ट में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस्ड करना होता है, लेकिन अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसको अभी बैलेंस नहीं किया जाएगा, पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये हमारे पास न्यू फर्म की न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसके स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रेडिटर्स 37,500, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में भी हम इसको ऐसे ही मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इसको हम न्यू बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करनी है सो इसको भी हम अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैश। सो कैश क्योंकि न्यू पार्टनर लेकर आया है इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट की जाएगी सो इसको भी अभी हम लीव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी हम मेंशन कर देंगे। डेटर्स हमारे पास है 16,000 जिसमें से 800 हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली है। सो 16,000 में से हम 800 लेस करके जो अमाउंट आएगी वो न्यू बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। स्टॉक हमारे पास है 20,000। 20,000 में से हमारा 2,000 रिड्यूस हो चुका है तो उसको लेस कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास फर्नीचर है 1,000 का, इसमें से 100 हम लेस कर देंगे क्योंकि 10% इस पर रिडक्शन हो चुकी है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई थी 20% से सो इसमें हम 20% ऐड कर देंगे और जो अमाउंट आएगी उसको मेंशन करेंगे। लास्ट में हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ये हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने इंस्ट्रक्शंस दी उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी बैलेंस शीट जितनी प्रिपेयर कर सकते थे उतनी प्रिपेयर कर ली। क्रेडिटर्स 37,500, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करनी है, कैश भी अभी हमने कैलकुलेट करनी है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नॉर्मली हम जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे उतना हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और अपना क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है आफ्टर नॉर्मल सॉल्यूशन नाउ कंसीडर दी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। सो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमें उस एडजस्टमेंट को रीड करना है और जैसा उस एडजस्टमेंट में कहा गया है वैसे ही उसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं फिर हम थर्ड स्टेप देखेंगे। सो ये है हमारे पास एडजस्टमेंट जिसमें कैपिटल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी डन थ्रू कैश और करेंट अकाउंट। सो इसमें कहा गया है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग हर एक पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद अगर पार्टनर्स को ऐसा लगता होगा कि उनके पास ज़्यादा पैसे पड़े हैं बिजनेस में तो वो विड्रॉ करवा लेंगे, और अगर उनको लगेगा कि कम पैसे पड़े हैं तो वो इन्वेस्ट करेंगे और पैसा लेकर आएंगे बिजनेस में। सो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये लाइन मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर, इन दोनों में से अगर कोई भी लाइन मिल जाए तो ये वाला केस फॉलो किया जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर ऐसी लाइन लिखी जाएगी तो इसका मतलब इसी केस के बारे में आपको कहा जाएगा। सो अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉलो द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यू कैपिटल। सो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं थर्ड स्टेप में ही फर्दर न्यू कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कह लीजिए रीएडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट कैपिटल ऑफ होल फर्म
इसका मतलब कि न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट कैपिटल ऑफ होल फर्म। सो जितने कैपिटल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि जो इनकमिंग पार्टनर है न्यू पार्टनर जो है वो 14,000 एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और उसका शेयर है 1/5। सो इसके अकॉर्डिंग हम पूरी फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और पूरी फर्म की कैपिटल मतलब ए बी और सी तीनों की कैपिटल का सम। फर्म की कैपिटल का यहाँ पर मतलब है ए बी और सी तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल को हम ऐड करेंगे तब हमारे पास फर्म की कैपिटल आती है। सो सी जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो 14,000 लेके आ रहा है बिजनेस में और उसका शेयर है 1/5। सो वो 1/5 के लिए 14,000 लेके आ रहा है। सो 1/5 को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। सो ये हमारे पास आएगा 70,000। सो यही हमारे पास फर्म की कैपिटल का आंसर है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें कहा गया था कि न्यू इनकमिंग पार्टनर की बेसिस के ऊपर हमें पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सो अगर न्यू पार्टनर 14,000 लेके आ रहा है तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल 70,000 तो होनी ही चाहिए। फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद अब हम सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास है आफ्टर दैट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हर एक पार्टनर का कितना शेयर बनता है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई। सो इसका मतलब सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर न्यू रेशो जब हमारे पास आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ईच पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं पता तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो चलिए हम इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए हमें सबसे पहले टोटल फर्म में से न्यू पार्टनर का शेयर डिडक्ट करना पड़ेगा। हमारी टोटल फर्म का शेयर है 1 और जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो एक्वायर करना चाहता है 1/5। सो इसको डिडक्ट करेंगे। सो इसका मतलब ए और बी के लिए सिर्फ इतना ही शेयर बैलेंस बचता है क्योंकि 1/5 जो है वो सी एक्वायर कर चुका है। सो ए के शेयर के लिए बी के शेयर के लिए और सी के शेयर के लिए हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 3/4, बी का है 1/4, सी का कोई ओल्ड शेयर नहीं है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। ए के ओल्ड शेयर के साथ हम रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इधर भी कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12/20, 4/20। सी का शेयर हमारे पास है 1/5, नीचे 20 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई जो है 12:4:4। 4 के टेबल में डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:1:1। सो ये हमारे पास आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद अब हमने जो पूरी फर्म का शेयर कैलकुलेट किया था 70,000 उसके अकॉर्डिंग हर एक पार्टनर का हमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 70,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:1:1 पे। ऐसा करने पर आपको तीनों ही पार्टनर्स का शेयर मिल जाएगा। ए का शेयर कितना होना चाहिए कैपिटल में, बी का कितना होना चाहिए और सी का कितना होना चाहिए। सो 70,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास ए का शेयर आ जाएगा।
ये हमारे पास बी का शेयर आ जाएगा और ये हमारे पास सी का शेयर आ जाएगा। सो सिंपल स्टेप है, सबसे पहले हमने न्यू इनकमिंग पार्टनर के बेसिस के अकॉर्डिंग पूरी फर्म का शेयर कैलकुलेट किया। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो इजी कैलकुलेशंस हैं, अगर नहीं गिवन तो कैलकुलेट करने के बाद जो शेयर हमने कैलकुलेट किया उसको हर एक पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि हमें पता लग जाए कि कितना कैपिटल किसका होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग ए की कैपिटल होनी चाहिए 42,000, बी की कैपिटल होनी चाहिए 14,000 और सी की भी होनी चाहिए 14,000। सो अब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके चेक करते हैं कि क्या क्लोजिंग डेट में उनकी इतनी ही कैपिटल है, अगर नहीं है तो वो लेकर आएंगे और अगर ज़्यादा है कैपिटल तो वो विड्रॉ करवा लेंगे। ये हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट वाली आइटम्स को हम ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डेबिट आइटम्स को। सो इनको ऐड करने के बाद और इसको लेस करने के बाद हमारे पास टोटल आता है ए पार्टनर के लिए 37,575। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 37,575, जबकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ए की कैपिटल 42,000 होनी चाहिए जो अभी हमने कैलकुलेट किया। सो इसका मतलब ए की कैपिटल कम है। सो ए जो है वो बिजनेस में कैश लेकर आएगा। सो यहाँ पर हम एंट्री पा देते हैं बाय कैश, जो बैलेंस हमारे पास आएगा डिफरेंस वो ए पार्टनर जो है वो लेकर आएगा। सो हमारे पास आया 4,425। ऐसे ही बी के लिए भी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्रेडिट साइड के आइटम को ऐड करेंगे डेबिट साइड की लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 18,525 जो कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 14,000। सो इसका मतलब बी के पास ज़्यादा कैश पड़ी है, उसकी कैपिटल ज़्यादा है, जितनी उसकी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है। सो इसका मतलब वो कैश जो है वो बिज़नेस से विड्रॉ करवा लेगा, ले जाएगा। सो यहाँ पर हम एंट्री डाल देंगे टू कैश और अमाउंट हमारे पास आएगी डिफरेंस 4,525। जैसा आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे ही ट्रीटमेंट आपको करनी है। अगर आपको कहा जाएगा कि पार्टनर्स एक्सेस मनी या फिर डेफिसिट मनी कैश में लेकर आएंगे तो कैश वर्ड हम यूज़ करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो हम करंट यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद अब हम बैलेंस कर देते हैं। सी के लिए कैलकुलेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसकी 14,000 की 14,000 ही है। सी को 14,000 चाहिए थी हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग भी और वो लेके भी 14,000 ही आया। सो इनका टोटल कर देते हैं हम, फर्स्ट आएगा 43,500, नेक्स्ट आएगा 19,020 और लास्ट आएगा 14,000। इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा 42,000 जो कि सी का 42,000 ही होना चाहिए। बी का हमारे पास आएगा 14,000 और सी का भी आएगा 14,000। इतना करने के बाद अब हम अपनी बैलेंस शीट को भी इक्वल कर देते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि तीनों की कैपिटल कितनी है, सो उसको मेंशन कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास जो था उसको मेंशन करेंगे 42,000, 14,000 और 14,000, टोटल हो जाएगा 70,000। इसके अलावा हमारे पास कैश थी 22,500, पार्टनर जो न्यू आया वो बिज़नेस में 14,000 लेकर आया सो उसको हम ऐड कर देंगे। ए पार्टनर जो है उसके पास कैपिटल कम थी इसलिए वो बिज़नेस में कैश लेकर आया सो उसको हम ऐड कर देंगे जितनी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मेंशन की थी। सो ए लेकर आया था 4,425 सो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही बी के पास एक्सेस मनी थी
उसको विड्रॉ करवानी थी. सो विड्रॉ करवाने का मतलब कैश डिडक्ट हो जाएगी. उसने विड्रॉ करवाइए थे 4,525. सो लास्ट में हमारे पास एक और एडजस्टमेंट है, सी, जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है. उसको गुडविल लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन वो गुडविल नहीं लेकर आया. सो इसका मतलब वो बिज़नेस में 4,000 लेकर आएगा जब उसके पास पैसे होंगे, वो बिज़नेस में लेकर आएगा. सो कोई भी चीज़ अगर बिज़नेस में आएगी, अगर बिज़नेस के लिए इनकम होगी, तो वो हमारी एसेट हो जाएगी. सो एसेट को हम एसेट में मेंशन कर देंगे. सो सी जो है वो 4,000 लेकर आएगा, अभी वो नहीं लेकर आया, इसलिए हम सी के करंट अकाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे. सो यही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर कोई पार्टनर कोई आइटम नहीं लेकर आ पाया, कैश नहीं लेकर आ पाया, लेकिन लेकर आएगा बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस के लिए एसेट होगी, वो यहाँ पर आएगी. ऐसे ही अगर फर्म ने पार्टनर को कोई पेमेंट करनी है, लेकिन फर्म के पास अभी पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब फर्म की वो लायबिलिटी होगी. अगर फर्म ने फॉर एग्ज़ाम्पल ए को पेमेंट करनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो यहाँ पर अपनी लायबिलिटी शो करेगा, और लायबिलिटी शो करने के लिए वो ए का करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर सी का करंट अकाउंट ओपन किया. लास्ट में इसको हम बैलेंस करेंगे. इसका टोटल भी हम पहले लिख लेते हैं, कैश का ये हमारे पास आएगा 36,400. लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 1,75,000. ऐसे ही एसेट साइड का भी हमारा टोटल आ रहा है 1,75,000. सो लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा. अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका बैलेंस मैच नहीं होगा. सो आई होप अब आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हर एक स्टेप आपको समझ आ गया होगा. सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले आपको इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, उसके शेयर के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. जिस पार्टनर का जितना शेयर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है कि क्या उसके एंड में, पार्टनर्स के एंड के अकाउंट में उतने ही पैसे हैं या फिर नहीं. अगर कम है तो वो पार्टनर लेकर आएगा, और अगर ज़्यादा है तो वो पार्टनर विड्रॉ करवा लेगा. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.